पथाई हवाई अड्डे में मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैशाली लोकसभा प्रत्याशी वीणा देवी मुजफ्फरपुर लोकसभा से अजय निषाद व सीतामढ़ी लोकसभा से सुनील कुमार पिंटू के पक्ष में मतदान करने को लेकर सभा को संबोधित करते हुए कहा कि साथियों, नीतीश जी, पासवान जी, सुशील जी, एनडीए के हमारे इन सभी लीडरों के प्रयत्नों से, एनडीए के लगातार प्रयासों से बहुत मुश्किल से बिहार ने अपने पुराने दौर को पीछे छोड़ा है। जिन लोगों ने इस महान भूमि की पहचान बदल दी थी, वो ये चुनाव में केंद्र सरकार बनाने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो छटपटा रहे हैं किसी भी तरह से अपने कुछ मेंबर की संख्या बढ़ाने के लिए। इसलिए मैं बिहार के लोगों को सावधान कर रहा हूं, उनकी ताकत बढ़ाने का मतलब है बिहार में फिर से लूटपाट के दिन उस दौर को वापस लाना, उनकी ताकत बढ़ाने का मतलब है बेटियों का अपहरण, गुंडागर्दी, हत्याएं, हर योजना में भ्रष्टाचार। उनकी ताकत बढ़ाने का मतलब है सूरज ढलने के बाद अपने ही घर में कैद हो जाना, गुट गुट के जीना, पलायन के लिए मजबूर होना। बिहार को इन लोगों ने यही दिया है। आज फिर से ये लोग अपनी जीत दृष्टि जमाए हुए हैं बिहार पर। ये बिहार को जाति में बांटकर, समाज को बांटकर अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। वो अपने भ्रष्टाचार को, अपने काले कारनामों को छिपाना चाहते हैं। उनका लक्ष्य है कि किसी भी प्रकार से दिल्ली में एक कमजोर, ढीली ढाली, मजबूर सरकार बने।